जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, फिर तुम कभी वीडियो मिस नहीं करोगे। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं फिलहाल चकरकटी। जी हाँ, चकरकटी से हम लोग जाएंगे जूही नहरिया, जहाँ पर आपको दिखाएंगे एक बहुत ही अच्छा और नया घर बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी एक अजीब स्टार से कम नहीं है। तो चलिए, मैं तो देख आया हूँ बट आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। बाय। ये आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल हम लोग रेलवे ट्रैक के पास हैं और नीचे से यहाँ से निकलती हैं गाड़ी वगैरह। ये सामने कानपुर सेंट्रल के लिए रास्ता जाता है, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। और ये पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली रूट है। और हम लोग फिलहाल अभी ट्रैक के ऊपर हैं, जो वीडियो शूट कर रहे हैं काफ़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये स्टेशन पर हम लोग चल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को पता होगा, जूही नहरिया का एक ब्लॉग काफ़ी ऊपर आ रहा था कि एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है। तो फिलहाल आज हम आपको वहां पर लेकर के आए हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना के रखा है किसी शख्स ने, जो अभी वो मुझे तो नहीं मिला, बट हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से बनाया हुआ है और जाने का रास्ता कहाँ से और ये किधर बनी हुई है। काफ़ी सारे लोगों के इस पर ब्लॉग आ रहे हैं, तो बट हम आपको दिखाते हैं अपने बैक कैमरे से, बने साथ वीडियो बने रहे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सीढ़ी उसने बना रखी है और इस तरीके से सीढ़ी, और ऊपर वो रहने के लिए घर उसने बना रखा है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग घर लग रहा है। देख पा रहे होंगे, ये पेड़ है, इसमें छोटा सा उसने घर बना के रखा है। और ये नीचे रोड है और ये बगल में रेलवे लाइन है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है इस घर का, किस तरीके से उसने घर को बनाया है काफ़ी सोचने वाली बात है। ये आप देख पा रहे होंगे, नीचे रोड चल रहा है और नीचे कुछ लोग बैठे हैं, नीचे से करीब 10-20 फुट ऊपर ये उसने घर बना कर रखा है। तो फिलहाल आप लोगों को पता होगा, ये पीछे घर है जो एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है और इसे नीचे चलता है रोड, जहाँ पर सवारी वगैरह निकलती है। जूही नहरिया का एक पुल है, इस पुल के पास ये पेड़ है। इस पेड़ में देखिए कितना अजीबों तरीके से ये घर बना हुआ है, कितना मतलब मशक्क़त के बाद ये घर बना होगा। और काफ़ी टेढ़ा रास्ता है जिसे एक शख्स रहता भी है और अपना जीवन व्यतीत करता है, मगर वो शख्स हम लोगों को मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा हम आपको बताएँगे। और यह रेलवे लाइन के बिल्कुल ही नज़दीक है, और आपको पूरा दिखा दें, ये पीछे पूरी रेलवे लाइन है। यहाँ ये घंटाघर उधर स्टेशन पड़ता है, और ये आपके पीछे है जूही नहरिया। और ये पेड़ में आप देख पा रहे होंगे घर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ किस तरीके का ये घर है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना बताते हैं लोग इसे।